guys, welcome back to our YouTube channel. YouTube Munda. So, hello guys, welcome back to our. और गमार औरत YouTube चैनल खुद बोलो. 2 hours later. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. असी थोड़े Mr. and Mrs. गुप्ता नाम तो सुने ही हो ना. हाँ हाँ, लेडी गागा ना, तू जरा तेरा नाम सारे जानते हैं. यार क्या हर वक्त बेसी करते रहते हो, चुप करके बैठ जाओ. So guys, काफी लोगों ने डिमांड की थी कि तुसी अपने लव स्टोरी से ब्लॉग बनाओ. सो इंतजार खत्म होया. इस वीडियो से तुम्हें पता लगेगा कि किमें मिले, कितने मिले, किने प्रपोज किया ते फैमिली नु किमें कन्विंस किया. दे दो तुसी भी अपनी जुबान नु थोड़ा या कष्ट, बोल लो कुछ. तुसी आप तक या चुप करके बैठ जाओ यार. अच्छा सॉरी, चलो प्लीज बोल लो. सो गाइस, साडी गलबात जेडी हैगी है वो इंस्टाग्राम दे थ्रू शुरू हुई सी. थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम. अगर तू ना होता तो हम साथ ना. ओए बढ़िया हुंदा ना हुंदा. तो 2018 दे भी शुरू हुई सी सारी गलबात. दिसंबर 24 दिसंबर नु शुरू हुई. उस तो बाद गल्लां बातां शुरू हो गए, तुम पता ही है. फिर 8 जनवरी नु मेरा बर्थडे हुंदा. उदो फिर इन्हां दा मैसेज आया स्पेशली ऑन व्हाट्सएप ते. मैसेज इक मैसेज कीता मुंडा सिर ते चढ़ गया. कहना यार बोल लैन दे हुण मैनू. फिर उस तो बाद काफी गल्लां बातां होईयां. फिर सोचिया कि चलो जिन्हां नाल भाई इन्नी गलबात हुंदी है हुण मिलना भी चाहिए है ना. असीं डिसाइड किया कि चलो मिलते हैं. सो पहली मुलाकात साडी 16 जनवरी 2019 एमबीडी मॉल लुधियाने च होई सी. ओह भी कड़ी मूवी देखी उरी. उस टाइम तो मैनू ये फीलिंग आ रही थी कि डेट ते नहीं आया, मैं किसी बॉर्डर ते आया हुआ. जय हिंद नारा लाउण नू दिल कर रहा सी मेरा उस टाइम. हाउ इज द जोश? हाय सर. बट चलो की कर सकते हैं, पहली मुलाकात सी कुड़ी नू एवें डरावना थोड़ी सी. और अगली बट ऐसी मूवी सिर्फ अद्धे घंटे की देखी, अद्धे घंटे की मूवी देखी सी. उठ उठ गए फिर असी फूड कोर्ट वगैरह च गए, उत्थे काफी एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया. फिर उस तो बाद मिलन जुलन का सिलसिला जो शुरू हो गया. फिर उस तो बाद 2 फेब नू मिले, 7 फेब नू मिले, 15 फेब नू मिले. बस इदा मिलते गए मिलते गए मिलते गए. फिर चलो एक दूजे नाल बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई. आपां हुण गल करदे आं प्रपोज दी. हर एक कुड़ी दा सानूं पता ही है सारिआं नूं कि कुड़ियां दे किन्ने सारे ड्रीम्स हुंदे आ कि मुंडा फ्लावर्स गिफ्ट्स वगैरह लैके आवे, नीज ते बह के प्रपोज करे. बट मैं अजिहा कुछ भी नहीं किया. बट जिहो जा मैं किया, मैनूं लगदा कि किसी ने इहो जा भी नहीं किया होना. मैं दसी सो ए मैनूं लैके गए सी आलमगीर साहिब. उत्थे बाबा जी दे अगे असी अरदास कीती ते इन्हां ने वादा कीता लाइफ टाइम साथ निभाउण दा. सो मैं भी हां करती ना तां क्योंकि होनी नहीं सी बाबा जी अगे. बाबा जी अगे मजेदार गल कि एक हफ्ता पहले मैं हां कीती, हफ्ते बाद ही मेरे घर पता लग गया. असी जिवें कपल्स रात नूं गल्लां बातां करदे आ, असी ना चोरी चोरी कंबल च बैठ के वीडियो कॉल करते पे सीगे. ते मैनूं किसी दी आवाज सुनी कि शायद मैनूं किसी ने बुलाया. बट जदों बंदा प्यार च हुंदा उहनूं होर कोई आवाज नहीं सुनदी. मेरा ध्यान सिर्फ वीडियो कॉलिंग च सीगा. बट जिद्दे ही मेरा कंबल खिंचया गया, मेरा ब्रदर मेरे सामने, मेरे मतलब हॉल पै गए मैनूं. मैं की करां, हॉल पै गए मैनूं. फिर मेरे ब्रदर ने दसिया पापा नू. पापा तो फिर 2-4 चपेड़ा पईया. मेरा ब्रदर मेरे तो फोन लेके गया. मैं फटाफट अपनी सिस्टर के फोन तो इन्हों मैसेज किया इंस्टा तो. मैनू हले नंबर भी नहीं इन्हों चंगी तरह याद सी. सो इंस्टा तो मैसेज किया कि मेरे ब्रदर को फोन तुसी मैसेज ना करो. मेरा दिमाग इन्ना खराब, मतलब मेरा जरा फोन लेके गया भैया, ओद भी इंस्टा ओपन सीगा ते एदे च भी मैं इंस्टा तो करी. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਪਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ. ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ. ਕੀ ਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਿਆ. ਕੀ ਜ਼ਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਓਏ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਿਆ ਹੀ ਆ ਯਾਰ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਯੈਸਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠਿਆ, ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ. 12-1 बजे तक फोन हाथ च फड़ के बैठा रहा, ना कोई फोन आया ना कोई मैसेज आया. फिर मैनू लग्या कि हाँ चल सीरियसली मतलब कह रही थी कि ब्रदर फोन वगैरह लै गया. फिर मैं इन्होंने फ्रेंड नू फोन किया कॉलेज के नाल जिहड़ियां सीगियां, उन्होंने भी दस्या कि हाँ कॉलेज भी नहीं आई. फिर मैनू पता लग्या कि भाई ये सीरियस गल हो गई है, हुण मैटर थोड़ा लैवल अप हो गया होया. ਇੰਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰੈਸ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਜਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜਾ ਸੋਹਣੀ.
ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਸੈਂਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੇਰ ਵੇਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਆ ਅੱਗ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਲਵ ਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬੀਏ ਫਾਈਨਲ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਫ੍ਰੀडम ਗਈ ਆ ਵੀ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਯਾਰ ਸੇਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਫੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਸੋ ਬਟ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪੜ ਮੇਲੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਏ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਬੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇਣਗੇ ਪੇਪਰ एक टाइम ऐसा आया कि अपन मतलब हार चुके से कि शायद नहीं लिखा होना एक दूसरे का साथ बट मैं फिर दिल च सोचा कि असि ते बाबा जी दे अगे एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया सी ओ सानू एक दूसरे तो दूर किवें कर सकते आ असि बड़ी थामा ते गए जिवें माता ते जांदे आ या गुरुद्वारे जाके मन्नता मंगी ए जांदे सी मतलब ए माता ते गए सी मन्नता मांग के आए ते मैं इधर गुरुद्वारे 21 दिन जाके आई सी कि प्लीज मेरा ब्याह करा दो मैं घर बैठे ने बड़े एफर्ट्स किए मैं पापा नु कहना कि तुसी एक बारी इंक्वायरी करो अगर तुहानू मुंडा किथे भी गले लगे ना मैं पीछे हट जूंगी फिर काफी कहण तो बाद पापा ने कहा कि चल एक बारी इंक्वायरी कर दा तेरे कहण ते बट कुदरती पापा उस इंसान कोल गए जिन्ना नाल इना दी लड़ाई हो चुकी सी 2-3 बारी ते उन्होंने कहा कि मुंडा नशे पत्ते करदा आवारागर्दी करदा ते कोई काम कर नहीं करदा पापा ने आके मैनू दस्या फिर उस तो बाद मैं मैनू कि तो पता लग गया भी चलो इदा इदा गल हुई है फिर मैं इन्हां दे ब्रदर नू फोन किया तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स करके कन्विंस किया कि आप मिल लेंगे एक बार जो थोड़ा लग्या मैं कितने भी गलत हैगा मैं आपे पिछे हट जूंगा फिर वो भी बहुत नाइस सके जिमें कि मैं थोड़ा दसिया वो मन भी गए एक बार च कि चलो ठीक है आप मिलते हैं फिर मिलन आए सारिया गलां बातें हुई फिर उन्होंने दसिया भी सानू पता लग्या तू नशे पत्ते करदा एंड ऑल फिर मैं उन्होंने सीधे कहता कि तुसी अडॉप्ट टेस्ट करा लो जे मेरे च कोई भी नशा आ गया तो मैं आपे पिछे हट जूंगा जे बाकी होर भी जे थोनू कोई गलबात का इशू हैगा या कोई भी थोनू प्रॉब्लम आ गई मैनू फेस ते दसो इत्थे ते उहदा सलूशन जे मैं ना दे सकिया मैं आपे पिछे हट जूंगा फिर वह कहते चलो ठीक है आपां कोई गल नहीं थोड़े टाइम बाद गल करांगे देखदे आं की बनदा मैं भी बहुत कोशिश कीती मतलब घरदिआं नूं समझाया कि चलो मुंडा ते चंगा ना मेरा इह हुंदा कि अगर मुंडा वधिया वा घर बार जिदा का भी मुंडा नशे ना करता हो तो कम करता हो चाहे थोड़ा बहुत ही करता हो कि मैं उन्होंने बड़ा मनाया कि मन जो बट नहीं मने 6 महीने मैं कर रही तुम सोच सकते हो कि लॉकडाउन के 2 महीने बंदे घर रह के आके मैं 6 महीने कटे मतलब मेरे लिए 2-2 लॉकडाउन से कितना कुछ रहा है यार मैं भी दसिया ही है मैं भी 6 महीने किसी कुड़ी वाल देखा तो ना वो भी तो देखो तुम ओह माय गॉड हरेक मां प्यो दे फर्ज हुंदे आ वी चलो साडी कुड़ी किसे गलत घरे ना चल जावे आ सी साडे दोनां दी मतलब दिव्या ते रोहन दी लव स्टोरी सो लास्ट ते जाते जाते साडे चैनल नु जरूर सब्सक्राइब करके जाना ताकि साडी आन वाली वीडियो थोड़े फोन ते ठा करके बजे मतलब दिव्या
ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਪੇੜ ਬਣਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਬਣਦਾ ਨਾ।